जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ओपीसी यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल ए टू जेड। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके एक नए टॉपिक और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा अगर महत्वपूर्ण है तो वही टॉपिक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कैंडिडेट अगर बाहर होते हैं तो केवल आपकी जो रिजल्ट कट ऑफ होती है और आपकी जो मेरिट लिस्ट कट ऑफ होती है उससे ही बाहर होते हैं। काफ़ी बच्चे जो हैं यहाँ पे पास कर जाते हैं, लेकिन आपकी ये कट ऑफ कितनी जाती है वो इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। फिजिकल, मेडिकल और जॉइनिंग डे, ये जो है हम सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा कम्प्लीट ज़रूर देखिएगा। और जो भी नए आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए दोस्त, अगर भूल जाएंगे तो आपको जो है इतनी महत्वपूर्ण जानकारी से मिस कर देंगे। लेकिन लगातार आपको पता होगा कि ये चैनल आपको मोटिवेट और साथ में आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाता रहता है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहला जो सवाल आप सभी का आता होगा कि अभी तक एडमिट कार्ड जो हैं क्या जारी कर दिए गए हैं या फिर आपकी एग्ज़ाम डेट क्या है। मैं यहाँ पे तीन चार चीज़ें जो है महत्वपूर्ण जो सारी चीज़ें हैं वो जल्दी से ख़त्म कर देते हैं। चलिए, आपका जो है यहाँ पे वीडियो को जो है पूरी तरह से जो है बिल्कुल भी स्किप मत कर देना, स्किप करते ही दोस्त आप जो है बहुत सारी चीज़ों को मिस कर जाएंगे। चलिए मैं यहाँ पे आपको जो है बता देता हूँ सारी जानकारी। चलिए, यहाँ पे एक तो आपका जो महत्वपूर्ण जो सवाल है, तो दोस्त कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है, एक छोटी सी कहानी है वो यहाँ पे आपको समझ लेनी चाहिए। अगर आप नहीं समझेंगे तो मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको डिस्कस करूँगा, आपकी एडमिट कार्ड। मैं ये मानता हूँ कि आपका एडमिट कार्ड जो कि दोस्त सबका आने वाला है, अब मैं यहाँ पे सबका आने वाला है इसका मतलब क्या बताऊँ आपको, सबका आने का मतलब है कि आपका एडमिट कार्ड बिना किसी परसेंटेज बेस पे सभी का एडमिट कार्ड आने वाला है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, जिनका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, कुछ बच्चे ऐसे हैं क्योंकि वो ना तो पढ़ाई कर रहे हैं ना फिर कुछ अदर एक्टिविटी कर रहे हैं और वो केवल इंतज़ार कर रहे हैं अपने एडमिट कार्ड का, तो मैं यहाँ पर बता दूँ जिनका एडमिट कार्ड नहीं आएगा उनके पास घर पर अपना फॉर्म वापस आ गया है। तो ये एक बड़ा अपडेट है आप सभी के लिए, मैं बता देता हूँ। अब इसका मतलब जिनका वापस घर पर एप्लीकेशन फॉर्म नहीं पहुँचा है तो उनका एडमिट कार्ड पूरे यहाँ पे 99% चांस हैं कि आपका जो एडमिट कार्ड ज़रूर आने वाला है। इसके अलावा कुछ भी अगर आपने थोड़ा बहुत भी मिस्टेक किया है, क्योंकि मिस्टेक अगर मैन कर ली है कि आपने टिकट वगैरह नहीं लगाई हैं तो उनका तो घर पे वापस आ ही गया है, तो वो चीज़ें हैं। अगर आपका एडमिट कार्ड आ जाता है तो दोस्त आपका जो है कहानी अब समझते चलिएगा, एडमिट कार्ड आने के बाद आपको एग्ज़ाम के लिए जाना होगा। एग्ज़ाम के लिए जाएंगे तो आपको यहाँ पे दो चीज़ें करनी पड़ेगी, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखिएगा, छोटा सा मैप है, समझ लीजिएगा, अगर नहीं समझोगे तो बहुत सारी गलतियाँ हैं आप कर बैठोगे और कोई नहीं बताएगा यूट्यूब पे। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, एग्ज़ाम आपका होगा, उसके साथ ही आपको फिजिकल भी कंडक्ट करवा लिया जाएगा। अब फिजिकल में मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ आपको रनिंग की तैयारी भी साथ में करते रहना चाहिए, क्योंकि आपका 1600 मीटर का जो रनिंग है वो 6.5 मिनट में आपको पार करना होगा। ये 1600 मीटर का जो रनिंग है वो आपको 6.5 मिनट के लिए दोस्त अपने आप को रेडी करके रखना है। उसके साथ कुछ बच्चों के जो है सुकेट्स वगैरह जो होती हैं, डिप्स वगैरह होती हैं, उनमें भी दिक्कत आती है, तो वो भी आप रेडी रखिएगा, क्योंकि आपको जो है फिजिकली आपको जो है फिटनेस, क्योंकि हालांकि नंबर नहीं मिलेंगे बट आपको जो है ये चीज़ भी ध्यान रखनी पड़ेगी। और आपका जंप वगैरह भी अगर नहीं है तो आप जंप को भी अच्छे से रेडी कर ही लीजिएगा। आपको जो है टाइम भी दिया जाएगा एडिशनल वगैरह, ये फिजिकल टेस्ट का जो है P1 होगा। इसके अंदर यहाँ पे आपका रनिंग के बाद जो है जंपिंग यहाँ पे होने वाली है, 5000 फिट का जो जंपिंग है वो होने वाला है। लेकिन अगर आप 5000 का फिट का नहीं कर पाते हैं तो 5001 से लेकर 9000 फिट तक करना है, तो एडिशनल आपको 30 मिनट का समय दिया जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे देखिए 10 पुशअप आपको लगानी है, 10 सिटअप्स लगानी है, 20 स्क्वेट्स लगानी है, तो इसके लिए भी अपने आप को रेडी रखिएगा। ये महत्वपूर्ण चीज़ हो गई, ये तीन चार चीज़ें हैं, अभी आपको स्टार्ट कर देना चाहिए, शुरू कर देना चाहिए। अभी मैं जो है आ रहा हूँ, एग्ज़ाम होने के बाद आपका जो है दोस्त ये तभी होगा जब आप, महत्वपूर्ण चीज़ जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एग्ज़ाम, ये 10 मार्क्स आप लेकर आते हैं तो। अगर आप ये 10 मार्क्स नहीं लेकर आते हैं, कुछ बच्चे मैं देख रहा हूँ
आपके केवल मॉक टेस्ट को लगा रहे हैं, केवल एक दिन में 10 क्वेश्चन कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा केवल इन 10 क्वेश्चनों से, तो ये आप अब गलती कर रहे हो। अब यहाँ पे समय ये नहीं है कि आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, मॉक टेस्ट में आपको केवल ये पता करना था, मैंने बताया भी था, क्योंकि यहाँ टाइम अच्छा खासा मिलता है तो आपको टाइम की भी टेंशन नहीं होती। ये इंग्लिश हिंदी आपका जो जीके है वो आता है तो उसमें कोई टाइम वगैरह आपको मैनेजमेंट, मॉक टेस्ट तभी लगाए जाते हैं जब आप ज़्यादा मॉक टेस्ट तभी लगाते हैं जब आपके पास टाइम ना हो, क्योंकि SSC वगैरह जो होती हैं उनमें टाइम नहीं होता है। आपके पास टाइम फुल रहेगा लेकिन आपको आना ज़रूरी है, तो इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को पढ़ें। इसीलिए मैंने इतने बड़े जो है आपके लिए सभी जितने भी, क्योंकि अभी अगर आप ज्योग्राफी को पढ़ने के लगोगे टॉपिक वाइज तो इससे अच्छा है कि आप ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो लगा लीजिए, हिस्ट्री हैं उसका भी क्वेश्चन लगा लीजिए, क्योंकि दिमाग में क्वेश्चंस रह सकते हैं। अभी अगर आपके टॉपिक क्लियर करेंगे तो टॉपिक में तो भाई 2 साल लग जाएंगे आपको सारे टॉपिक क्लियर करने में, लेकिन आपको सभी टॉपिक ना क्लियर करके जो है बेसिक जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आपका जो लेवल है वो बिल्कुल बेसिक होता है, लेकिन आपको आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहीं से मैं आपका जो है रिज़ल्ट निकालने वाला हूँ, चाहे वो पॉलिटिकल हो। तो इन सभी का संग्रह हमने जो है एक साथ PDF में जो है इंक्लूड किया है कि आप इसको जो है GK में कहीं पर भी केवल करंट अफेयर्स पढ़ लेते हो, केवल करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट का एक क्वेश्चन आने वाला है और ये या तो गेम रिलेटेड होगा या फिर कोई भी आपकी जो यहाँ पे अदर एक्टिविटीज है उसके रिगार्डिंग होगा, तो आपका उस PDF में इंक्लूड किया गया है। साथ में आपका यहाँ पे इंग्लिश है, तो इंग्लिश में तो डरने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जो है सब कुछ, और मैंने एक आपका इंपॉर्टेंट वीडियो भी बनाया था जिसमें सेलेक्टिव आपको बताया था कि इतना इतना आप पढ़ लीजिए, तो वो चीज़ें भी करनी है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ से क्लियर हो जाएगी, मैंने एक मॉक डाला है, 5 मॉक टेस्ट डाले हैं उसमें, ज़्यादा मैंने क्यों नहीं किए, बच्चे जो है भाई कि आपने ज़्यादा नहीं किए, ज़्यादा इसलिए नहीं किया, उसमें मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया कि आपका इस टॉपिक से क्वेश्चंस आने वाला है, इस टॉपिक से क्वेश्चंस आने वाला है, तो आपको केवल वही चीज़ें देखनी थी कि आपके इस टॉपिक से क्वेश्चन आने वाला है, मैं यहीं से पढ़ने वाला हूँ, तो ये चीज़ें आपको करनी थी उन 5 मॉक टेस्ट से। जिन्होंने भी ख़रीदा है, जिन्होंने भी बाई किया है, तो उनको मैं बता दूँ तो इस प्रकार से आपको पढ़ना है, और जितने भी क्वेश्चंस मैंने दिए हैं उन क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश करें, क्योंकि जितना क्वेश्चंस आप लगाएंगे उससे जो आपको यहाँ पे, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन भी है आपके साथ में, MCQ क्वेश्चन भी दिए गए हैं, तो उन सबको क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। अभी आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया है और मैंने आपको पहले भी कह दिया था, लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है ये हलवा बना दिया था कि 7 सितंबर को एडमिट कार्ड आ जाएगा, जितना हमने बता रखा है वही जो आपका एडमिट कार्ड आने वाला है, और दोस्त आपका सितंबर का 3rd वीक या 4th वीक तक आपके एडमिट कार्ड या फिर 20 तारीख से पहले पहले आपका एडमिट कार्ड जो है किसी भी वक्त जारी हो सकते हैं। एग्ज़ाम आपका वही है अक्टूबर में जो है होने वाला है, तो जिन भी पढ़ाई नहीं स्टार्ट की है तो आप PDF से स्टार्ट कर सकते हैं, हमने जो है सब कुछ क्लियर किया है। केवल PDF लेने के बाद आपको मैं फिर से सलाह दूंगा, GK ही का आपको जो है केवल करंट ही पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। अब मैं महत्वपूर्ण जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में आता हूँ, वो आता है आपकी एग्ज़ाम जब सब कुछ कर लेंगे, 10 मार्क्स ले लेंगे और फिजिकल भी दे लेंगे, मेडिकल भी दे लेंगे, आती है मेरिट लिस्ट की बारी, यहाँ PDF ज़रूरी हो जाती है। अगर आप एक एक क्वेश्चन से बाहर हो जाएंगे, अगर आप यहाँ जो है दोस्त मेरिट कट ऑफ जो जाती है, पिछली बार भी कट ऑफ गई थी वो 18 मार्क्स आपके कम से कम होने चाहिए तभी जाकर जो आपका जनरल के अंदर सिलेक्शन होगा, तो 18 से अगर कम नंबर लाते हैं आप 20 में से तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको केवल बस ये फिजिकल वगैरह या फिर ये जो एक्टिविटीज हैं वही देखने को मिलेंगी। तो जितने भी कैंडिडेट हैं 18 या 19 तक आप जो है बिल्कुल करने की कोशिश करें, इसके लिए ही मेहनत लगती है क्योंकि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बट इन क्वेश्चंस को आपको जो अच्छे से अटेम्प्ट करना है, गलत नहीं करना है, ये चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, तो इसके लिए मेहनत लगती है और इसके लिए आपको जो है भाई दौड़ से अगर पार करनी है तो 18-19 नंबर आपको लाने ही पड़ेंगे, अन्यथा आपका जो है फाइनल में सिलेक्शन नहीं होगा। ये चीज़ आज भी लिख लीजिए या फिर आप आगे भी लिख लेना। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये मेरिट कट ऑफ रहती है दोस्त, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि बाहर यहीं से फिर बच्चों को कॉल ना तो कॉल जाती है ना कोई बात, और बच्चों को नहीं ये भी नहीं पता चलता है कि हमें कब मैसेज आएगा कब कॉल आएगा, हम तो हालांकि बताते रहते हैं क्योंकि बच्चे जुड़े हुए हैं और बच्चों के द्वारा जानकारी मिल जाती है कि सर हमें बुलाया गया है, तो मैं आपको इस चैनल पर लगातार अपडेट करता रहूँगा, बट कट ऑफ पर पूरा ध्यान रखते हुए भाई अपना जो है पूरा समय उसी पे लगाइएगा। अब बात आती है मेडिकल वगैरह की, तो ये जो है बहुत जल्द हो जाते हैं इनके, आपकी अगर एग्ज़ाम अक्टूबर में है तो अक्टूबर में आपको जो है सब कुछ क्लियर करवा लिया जाएगा। उसके बाद आती है जॉइनिंग की बात, तो अक्टूबर का
आगे जो है आपका यहाँ पे अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक आपको जो है, क्योंकि ये एक महीने ऐसे ही निकाल देंगे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करने में, और ज्वाइनिंग जब आती है तो ये भी नहीं पता चलता कि किन की ज्वाइनिंग आई है, किन का जो है भाई सिलेक्शन हुआ है, ये जो है थोड़ा सा एक मिसयूज भी रहता है इनके अंदर। तो वो सारी चीज़ें हम लगातार आपको बताते रहेंगे कि किनका ज्वाइनिंग हुआ है, क्या चीज़ें हुई हैं। अगर आप इस चैनल पे लगातार जुड़े हुए हैं तो आपको जो अपडेट यहाँ पे मिलती रहेंगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने मेरी तरफ से हर चीज़ों को आपको जो है अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपका जो कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। जय हिंद।